जब कोई इंसान अल्लामा तबाताबाई को देखता था तो उनका चलना, बात करना ये सब इश्तेहार नहीं है, बल्कि खुद हमारी देखी हुई बातें हैं, जैसे तालीमात इस्लामी का मुजस्सम पैकर आ गया हो। अल्लामा जब महफिल में बैठा करते थे कोई बात इजाफी नहीं करते थे, बात सुनते थे, अगर सवाल किया जाता तो जवाब देते थे, लेकिन कभी खुद से बात शुरू नहीं करते थे। इनका चेहरा बहुत हशाश बशाश होता था और देखने वाले मुतासिर होते थे। इनकी ज़िंदगी के तमाम पहलू में अखलाकी किरदार सबके मुशाहदे में था। किसी के लिए मुंह बनाया हो बिगाड़ा हो ऐसी बात मुमकिन ही ना थी। एक फाजल तालिब इल्म अस्फहान से इनके लिए एक पैगाम लाया था, शायद कोई ख़त था। खुद अस्फहान वापस जाना चाहता था, रात 2 बजे गाड़ी ने चलना था। सोच रहा था कि इनकी खिदमत में जाए या ना जाए मज़ाहिम भी नहीं हो। बिलाखिर हिम्मत की दरवाज़े पर दस्तक दी। अल्लामा आए और दरवाज़ा खोला। आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहे थे। एक कालीचा उठाया और उसे लरसते हाथों से लाए दरवाज़े पर बिछाया। मैंने पूछा आका आप इतनी आहिस्ता आहिस्ता बात क्यों कर रहे हैं? कहने लगे खादिम मश्त मोहम्मद अली सो रहा है, वो जाग ना जाए इसलिए आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहे थे। कौन इतना सब्र और हौसला रखता है कि बैठ जाए और अपने एक अदना से शागिर्द का हर बेबुनियाद एतराज सुने। पहले तो उस शख्स का एहतराम मलहूज रखते थे, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं करते थे कि जिससे दूसरे अफराद हंसी उड़ाएं। फिर ये कि बहुत बुर्दबारी से उसके हर सवाल का जवाब देते थे। वो बहसो मुबाहसे में भी इंसाफ की बात करते थे। अजीब मर्द था, बिल्कुल तकब्बुर न था। ये बात अलामत है इस चीज की कि एक इंसान ऐसा है जिसने खुद पर काबू पाया है और सब्र किया है। जिन्हें जल गुस्सा आता है दरअसल वो कमजोर। अगर कोई दलील के साथ बात करता तो उसे तस्लीम करते थे। मैं अल्लामा तबाताबाई हूँ ऐसी कोई चीज उनमें ना थी। मैंने ये हदीस कशकोश शेख बहाई में देखी है कि अंबिया में से एक ने अल्लाह से मुनाजात की, या रब्बी कैफ तरीक अलैक, यानी या रब तुझ तक किस तरह से पहुंचा जा सकता है। कैफ तरीक अलैक वही के जरिए जवाब आया, उत्रुक नफ्सुक ताला अलै, यानी खुद को छोड़ दो, खुद को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। हमने जो जुमेरात जुमे का प्रोग्राम तय कर रखा था जब गर्मियों की छुट्टियां होने वाली थी, आखिरी दिन तुलबा ने कहा आका हमें कोई नसीहत करें। जुमेरात का दिन था, अल्लामा खामोश हो गए और गहरी सोच में डूब गए। दूसरे दिन फिर तुलबा ने कहा आका आपने नसीहत करनी थी। कहने लगे खुदा गवाह है मैं नहीं जानता क्या कहूँ। यानी एक फ़ानी इंसान थे, एक ऐसा इंसान जो अपनी खबर नहीं रखता, खुद से बेगाना थे। इनकी ज़ात में अपनी ज़ात नाम की कोई चीज़ नहीं थी, फना फिल्लाह थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतुल्लाह उज़्मा आकाए तबाताबाई की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुख्तसर बात यह है कि मैं 20 साल का जवान हूँ। मेरे ख्याल में वाहिद आप हैं जो शायद मेरे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। मैं जिस माहौल में जिंदगी गुजार रहा हूँ, हवाए नफ्स, उम्मीदों और आरजुओं ने मुझ पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया है और मुझे अपना कैदी बना रखा है। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि मुझे फरमाएं ताकि मैं जान सकूं कि मैं कौन से अमाल अंजाम दूं जिससे मैं अपने नफ्स पर मुसल्लत हो जाऊं और खुशबख्ती मुझ पर हुकूमत करे। दरअसल मैं कहना चाहता हूं कि मैं नसीहत नहीं चाहता, क्योंकि दूसरे लोग नासे होने के बहुत दावेदार हैं। मैं अमली तौर पर दस्तूर चाहता हूं। एक और बात कहूंगा, ये राकिम ये ख्याल करता है कि बिल मुशाफा इस सवाल का जवाब नहीं मांग सकता, क्योंकि मुझे शर्म महसूस होती है कि मैं आपका कीमती वक्त ले लूं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पितराना शफकत के साथ जो आप मेरे लिए बेहतर समझते हैं मेरी मदद फरमाएं। अगर आपका जवाब मनफी हो तो मेरी इस नाकिस फिक्र की हंसी ना उड़ाएं और खुफिया तौर पर इस खत को फाड़ दीजिएगा और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। शुक्रगुजार रहूंगा।
लिहाजा वो नहीं चाहते थे, क्योंकि जिसने अलमिज़ान लिखी है इस कदर अहादीस का मुताला किया है, जिस किसी ने बिहार का मुताला किया हो, क्या इसके लिए ये मुमकिन नहीं कि वो एक हदीस कह सके। फिर भी इतना इसरार करने पर फरमाया, फस्कुरुनी अस्कुरुकुम, खुदा फरमाता है तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अस्सलामु अलैकुम। कामयाबी के लिए और इस मकसद तक पहुंचने के खातिर जो आपने सफ़े की दूसरी तरफ लिखा है, ज़रूरी है कि हम हिम्मत करें, तौबा करें और मुराकबा व मुहासबा शुरू करें। इस तरह हर रोज़ जब सुबह नींद से जागें, पुख्ता इरादा करें कि जो भी काम अंजाम देंगे मर्जी खुदा अजासमा का लिहाज रखेंगे। फिर जब भी कोई काम अंजाम देना चाहेंगे तो आखरत के फायदे को मद्देनजर रखेंगे। चुनाचा अगर इसमें आखरत को कोई फायदा नजर ना आता हो तो आप वो काम अंजाम ही नहीं देंगे, ख्वाह कुछ भी हो, और इसी तरह रात तक ये काम जारी रखें। फिर सोने से पहले 4-5 मिनट दिन भर जो काम अंजाम दिए हैं उस पर फिक्र करें और एक एक करके सब पर नजर करें। जो काम खुदा की मर्जी के मुताबिक अंजाम पाया है शुक्र अदा करें, और जहां कहीं खिलाफ हुआ है तो फौरन इस्तग़फार करें। इस काम को हर रोज जारी रखें। यह तरीका अगरचे इब्तिदा में मुश्किल है और नफ्स के जायके में तल्ख है, लेकिन निजात और फलाह की कलीद है। नेज अगर हर शब कर सकें तो सूरह मुसब्बिहात यानी सूरह हदीद, हशर, सफ, जुमा और तगाबुन को पढ़ें। अगर ऐसा ना कर सकें तो सिर्फ सूरह हशर की तिलावत करें। फिर 20 दिन के बाद अपने कामों के मुतालिक अपनी कैफियत को बंदे के लिए तहरीर करें। इंशाअल्लाह मौफिक होंगे। वस्सलामु अलैकुम। उस्ताद अल्लामा तबातबाई, जब से हम इनकी खिदमत में थे पहले दिन से उन्होंने फरमाया कि मुराकबा और मुहासबा किया करो और आखिर उम्र तक जारी रखो। बंदर्स के बराई बंदे व जनाब अली व हमी तो दोस्तानुमा व इनो लाजम है व बायद तरह हीश कुने शामह न कर्द इबारत از اینه که خدا را نباید فراموش کرد این حقیقت را برای همه لازمه که انجام بدن و همیشه در مد نظرشون باشه، در خواب، در بیداری، در همه حال، در هر حالی که فرض بشود این معنا در نظرشون باشه که خدا را نباید فراموش کرد. حتی اور آخر میں علامہ بالکل مبہوت حالت میں رہتے تھے، یعنی کہ خود میں گمسم رہتے تھے، بات بھی نہیں کر سکتے تھے. ایک دن ان کے شاگردوں میں سے ایک نے اس حالت میں ان سے سوال کیا کہ آقا आप इस हालत में क्या नसीहत करते हैं। वो कहता है कि एक नहीफ और ज़हीफ आवाज में अल्लामा ने कहा, अल महासबा अल मराकबा, उसी हालत में जब वो बात नहीं कर सकते थे सिर्फ दो कलमे कहे, यानी कि मुराकबा और महासबा। मरंद में आयतुल्ला मरंदी रहमतुल्ला अलैह अल्लामा के साथ पढ़ते थे। इनका शुमार बुजुर्गान में से होता है। वो फरमाते थे कि हमारे दौर में कोई भी अल्लामा तबताबाई जैसा ना था। 5-5 घंटे का सजदा किया करते थे। जब मैंने ये बात आयतुल्ला जवादी से अर्ज़ की तो उन्होंने फरमाया, यही वजह है कि इनके लिए बरकात हैं। मैं ये बात कहूंगा, खुदा ना खास्ता किसी की तौहीन नहीं है, मैं नाम नहीं लूंगा, हकीकत यही है जो कही जानी चाहिए। अल्लामा तबताबाई रिजवानुल्लाह ताला अलैह के वजूद की निस्बत बाकी तमाम उलमा के साथ ऐसी ही है जैसे
المیزان کی نسبت باقی تمام تفاسیر کے ساتھ ہے۔ آپ اس مجمل سے مفصل پڑھ سکتے ہیں۔ واقعاً ایسا ہے، حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ مرحوم علامہ طباطبائی روحانیت کے اعتبار سے بہت دلنشین حالات رکھتے تھے، یعنی اگر آپ انہیں نماز کی حالت میں دیکھتے تو حقیقت میں یہ نماز میں محو ہوتے تھے، یعنی ڈوب جاتے تھے۔ مرحوم آقا طباطبائی نے فرمایا تھا، اگر بہشت میں کہیں گے یہاں نماز نہ پڑھیں تو ہم کیا کریں گے، یعنی جناب قاضی کے لیے عبادت میں انتہا کی لذت تھی۔ مرحوم آقا طباطبائی بھی عبادت کو بہت اہمیت دیتے تھے، بالخصوص زیارت اور امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں کئی مرتبہ یہ بات ذکر کی ہے کہ علامہ کا قد بڑا نہ تھا، میانہ قد، بلکہ متوسط سے بھی کچھ کم تھا۔ جب اپنے ہاتھ لبوں پر رکھتے تو لبوں میں بھی راشا تھا، اور حقیقت میں پورے عشق کے ساتھ زری کو بوسا دیتے تھے۔ مجھ سے کہتے تھے، میں روزانہ 14 گھنٹے کام کرتا ہوں، سال میں صرف ایک دن تعطیل کرتا ہوں، اور وہ بھی روزے عاشورہ ہے، اور یہ سید الشہداء کی حقیقت کے احترام میں ہے۔ مجالس میں بہت گریہ کیا کرتے تھے، بہت ولائی تھے، بہت زیادہ ایک خاص انسان تھے۔ میں نے بعض علماء سے سنا ہے کہ علامہ نے انہیں بتایا تھا، جب خانم زیارت عاشورہ پڑھتی تھیں اور جب وہ سلام کہتی ہیں تو میں جواب سنتا ہوں، حتیٰ کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب خانم گھر سے حضرت معصومہ کی طرف عرض و سلام کرتی تھیں میں اس کا جواب سن لیتا ہوں۔ اس پر غور کریں کہ اس کے لیے اس قدر گہرائی چاہیے۔ درحالیہ کہ ہماری والدہ کوئی زاہدہ عورت نہ تھی کہ اہل زہد ہوں، ایک معمولی خاتون تھی۔ والد بھی تقریباً اسی طرح تھے۔ میں نے کوئی اضافی اعمال نہیں دیکھے سوائے اس کے کہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور بس پنجگانہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اگر وہ نماز تہجد پڑھتے تھے میں نے نہیں دیکھا۔ جب وہ مجالس اعضا میں شرکت کیا کرتے تھے، شب بیداری کے لیے ہم کبھی حاج میر تقی زرگر کی طرف چلے جایا کرتے تھے، وہ خود عزاداروں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ شاید آپ نے سنا ہو، یقین کریں یہ مجلس کسی بہشت سے کم نہ ہوتی تھی۔ شنید و گرماش، اوگل خرده و شخلر همی مهمان حسین
जब जाकिर मिंबर पर जाता, अल्लामा तबा तबाई अपने पूरे वजूद के साथ गिरिया करते। वो गिरिया करते तो सारा बदन लरज रहा होता। आयमाए अलैहिस्सलाम और बिलखुसूस अमीरुल मोमिनीन के साथ अजीब रूहानियत और गहरी वाबस्तगी रखते थे। जिंदगी के आखिरी अय्याम नामो नमूद और नाजो नम रखने वाले लोगों के लिए तारीख तरीन और तल्ख तरीन दिन हुआ करते हैं, लेकिन औलियाए खुदा के लिए शीरी तरीन लम्हात और रोशन तरीन साआत होती है, इसलिए कि पिंजरे में कैद आखिरी लम्हात को गुजार रहे होते हैं और शौक परवाज उनके सर से होश उड़ा देता है। दुनिया से दिल उठा लेना दुनिया वालों के लिए मुश्किल है, लेकिन आरिफ के लिए मौत से पहले दुनिया मर चुकी होती है। ये नूरानी बुजुर्ग इनकलाब इस्लामी के चंद साल तक ही मेहमान रहे हैं। हजरत दोस्त ने आलिम के जेबा तरीन गमों को उसके लिए लिखा। उनके बेटे यके बाद दीगरे इनकलाब के अरमानों पर कुर्बान हो गए और उन्हें दागे मफारिकत दे गए। शहीदान मोहम्मद हुसैन बहश्ती, मोहम्मद मुफ्ता, मोहम्मद जवाद बाहुनर और उस्ताद मुर्तजा मुताहरी। उस्ताद मुताहरी जो कि अपने उस्ताद के फलसफी और इरफानी मकतूबात के सबसे बड़े शाहराह थे, सुर्ख शामगाह में कुफ्र निफाक की गोलियों का निशाना बन गए और खाको खून में गलता हो गए। अपने रूहानी बाप और उस्ताद को तनहा छोड़ गए। फरिश्तों ने उनके बाअजमत नाम को आसमान के माथे पर लिखा। कोई नहीं जानता कि उन पुरसोज दिनों में उस दिल जले बूढ़े पर क्या गुजर रही थी। उस उस्ताद के बेटे और जिगर के गोशे उसकी बुलंदोबाला फिक्र के रास्ते में दिलोजान कुर्बान कर रहे थे। अल्लामा इनके उरूज मसीहाई को अपने अशकों में तमाशा कर रहे थे, लेकिन याकूब पीर कितने यूसुफ को हाथ से गंवाने का तहम्मुल रखते हैं। ज़ाहिरन जिंदगी के आखिरी अय्याम में हर चीज को भुला चुके थे, तमाम महफूजात इल्मी और फलसफी को भुला चुके थे, लेकिन इश्क को कभी नहीं भुलाया जा सकता। वो इश्क जो आसमानों में तलाश किया था और वो इश्क जो खुदा ताला की जात से था। आखिरी दिनों में अल्लामा बेहोश हो जाया करते थे, हत्ता के जब कभी मर्जे अजाम आया करते तब भी आंखें नहीं खोलते थे, लेकिन जूं ही नमाज का अव्वल वक्त होता, मसलन जोहर का वक्त, अजान की आवाज सुने बगैर होश में आ जाते, नमाज पढ़ते और फिर बेहोश हो जाते। नहीं मालूम, बईद है, हकीकत यह है कि अल्लामा तबतबाई का हाफजा बहुत ज्यादा अच्छा ना था, फिक्री गहराई बहुत ज्यादा थी, अमीक अंदेश थे। जी हां, ये बात मशहूर है कि ये चीज हाफजे को कम कर देती है, लेकिन हासिल शुदा रूहानी चीजों में कमी नहीं आती। एक बात यह भी है कि हम देखते थे कि इल्मी मतालिब में बहुत गहराई तक जाते थे, लेकिन हाफजे के एतबार से कमजोर थे,
कमजोर हाफजे और राशे जोग के अफसोस है कि नजफ से ही इनके दामनगीर हो गया था और सन रसीदगी अल्लामा 80 साल के थे जब दुनिया से चले गए। इसके बावजूद मतालिब में गहरे थे। वो जानते थे, हर बात से आगाह थे कि कब वफात पाएंगे, कहां दफन होंगे। ये औलियाए खुदा ऐसे हैं कि पहले से ही कुछ चीजों को जानने लगते हैं लेकिन कहते नहीं और किसी से जिक्र नहीं करते। आखिर वक्त जब अनकता हो रहा होता है, बिलाखिर दुनिया और मादियत से अनकता है लेकिन ये ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। अल्लामा के आखिरी अय्याम का जिस तरह जिक्र किया जाता है, बाज लोग गलतफहमी का शिकार भी हो गए हैं। जिंदगी के आखिरी अय्याम में अल्लामा बहुत गुमसुम हो गए थे, यानी मालूम होता था कि इस तरफ एक कल्बी ताल्लुक पैदा कर चुके हैं और गोया इस इंतजार में रहा करते थे कि औलियाए खुदा आए और इन्हें अपने साथ ले जाएं। आखिरी दम तक अल्लामा की मुबादा अपने मौला अपने महबूब खुदाए सुबहान की तरफ तवज्जो थी। उलमा में से एक बयान करते हैं कि जब वो बीमार थे और हस्पताल और उसी बीमारी से वफात पाई, उस आलम दीन ने महसूस कर लिया था कि अब ये जाने वाले हैं। आलिम कहते हैं कि मैंने अर्ज की, आका हमारे लिए कोई खास वसीयत करना चाहते हैं, क्या खास सिफारिश करेंगे? कहते हैं मैंने देखा कि उनके होंठ हरकत में आए, कुछ कहा लेकिन मैं समझ ना सका। मैं अपने कान उनके होंठों के करीब ले गया ताकि सुन सकूं क्या फरमाते हैं। मैंने सुना कि फरमा रहे थे, मराकबा मराकबा मराकबा। इस खास मौके पर जिसकी ऐसी हालत हो और खुद भी सारी जिंदगी एक ही लफ्ज के पीछे रहे हों और वही एक लफ्ज बानवान वसीयत कह रहे हैं, वही आलिम बताते हैं कि फिर उन्होंने पानी मांगा। ये बात बहुत दिलचस्प है। उन्होंने पानी मांगा और मैंने उन्हें पानी लाकर पेश किया। उन्होंने गिलास अपने हाथों से पकड़ा। मैंने देखा कि गिलास पकड़ा हुआ है लेकिन पानी नहीं पी रहे। मैंने ख्याल किया कि आका मुतवज्जा नहीं है कि मैं पानी लाया हूं। मैंने कहा, आका पानी लाया हूं, आप पी लें। फरमाया, मैं जानता हूं, मुझे मालूम है। एक जगह हम बैठे हुए थे, अल्लामा भी वहां मौजूद थे। जिन्होंने ये बात नकल की है वो हौजा के बड़े असातिज़ा में से हैं और बड़े उलमा भी हैं।
कहते हैं कि मैंने अल्लामा की तरफ निगाह की और मेरे आंसू बह निकले। हमने पूछा क्यों? कहा, मैं सोच रहा हूं जमीन इस बाजमत मर्द की संगीनी को किस तरह बर्दाश्त कर रही है। आज तक आजाद फिक्र अल्लामा तबतबाई से ज्यादा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। लोगों के और अपने दरमियान किसी भी किस्म के फर्क के कायल न थे। मुझे आज तक ये बात अच्छी तरह याद है कि मैंने कभी भी उन्हें नया लिबास पहने हुए नहीं देखा। अगर आप कभी उन्हें नमाज पढ़ते हुए देखते तो वो नमाज में महव हुआ करते थे। हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम इन्हें इनके अजदाद व ताहिरीन के साथ महशूर फरमाए और मरहूम को जन्नत में आला तरीन मकाम अता फरमाए।